follow. एक बात तो पक्का है, लॉकडाउन में आप चाहे बोर हो या ना हो, बैठ बैठ कर छाले जरूर पड़ जाते हैं। Hey guys, welcome back to channel. Hope you guys are doing absolutely fine. I hope तुम सब काफी अच्छे और सेफ हो और अपने फैमिली के साथ। वैसे प्लान तो काफी सारे थे कि एग्जाम के बाद मैं इधर घूमने जाऊंगा, काफी सारे वीडियोस बनाऊंगा और भाई के साथ काफी प्लान्स भी फिक्स्ड हो गया था कि बस एग्जाम यही अप्रैल, मतलब अप्रैल का पहले खत्म होगा और करेंगे कुछ, घूमेंगे, बाहर जाएंगे, फिर फैमिली के साथ भी छोटा मोटा ट्रिप प्लान हुआ था और फिर ये आ गया। कुछ नहीं कर सकता, बस हम लोग को ये काम करना है कि घर के अंदर रहना है और जो WHO जो कहते हैं उन लोगों की बात सुनना है और बेफिजूल का भीड़ नहीं जमाना है, जो कि अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और अगर मैं चाहूँ तो उन लोगों का वीडियो बनाकर छोड़ सकता हूँ, बट वो सब अपने लोग हैं, अगर छोड़ूंगा तो मेरा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले क्या बोलूँ, CBSE वालों ने हम लोग कुछ तो कर नहीं सकते, कंटेंट भी नहीं है मेरे पास ज्यादा। वो एक फेयरवेल वाला था उसको तो मैंने अपलोड कर दिया, और एक और पीछे है छोटा मोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया, जितने भी यूट्यूबर्स के वीडियो में देखता हूँ वो सब कोई एक बात सेम चीज कह रहा है कि भाई घर में बैठो, शाम को टेरेस में आओ, सनसेट देखो, सनसेट बहुत ही इन दिनों बहुत ही प्यारा हो रहा है और मैं दो दिन से फॉलो कर रहा हूँ और सच में बहुत ही बढ़िया हो रहा है। और कल मैंने एक बहुत ही बढ़िया टाइम स्लैप निकाला है और आज भी निकालूंगा, तो सोच रहा हूँ आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ टाइम स्लैप्स दिखा दूं, पर उसके पहले मुझे कुछ सेटिंग करना है तो करते हैं जल्दी। वैसे मेरे जो जितने भी दोस्त हैं वो लोग कह रहे थे कि वो लोग घर में बैठ के बहुत ही बोर फील कर रहे हैं, बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, वेब सीरीज सारे देख लिए, सारे मूवीज देख लिए, फिर भी मन नहीं कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि बाहर आऊं कुछ करूं। बट अगर मेरा बात बताऊं तो वैसा कुछ नहीं है, मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ यानी जैसे कि मैं अभी छत पे बैठा हूँ तो कभी कभी छत से सीधा नीचे जाता हूँ, फिर ऊपर आता हूँ, फिर नीचे जाता हूँ, फिर ऊपर आता हूँ, ये एक हुआ। और दूसरा बताता हूँ कि आजकल मैं अपने घर में, मतलब अपने ही घर में खुद सर्वे कर रहा था, बहुत चीज़ों के बारे में पता कर रहा था, उसका बारे में डेटा कलेक्ट कर रहा था। जैसे कि मेरे पास कुछ डेटा है कि हमारे घर में क्या है, हाँ, कितने प्लेट्स है, कितने चम्मच है, कितने बोतलें हैं, ऐसे कुछ छोटे मोटे चीज़। तो कुल मिला के मैंने जो टोटल लगाया है हमारे घर पे, कुल मिला के अगर रेगुलर 30 प्लेट्स हमारे घर में, अभी करंट 25 स्पून है और 40 बॉटल्स है हमारे घर। इंटरेस्टिंग काम है जो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा टाइम पास होता है और ये सबको करना चाहिए, तो दिखाता हूँ चलो। और जो इंटरेस्टिंग काम मैं बता रहा था कि ये जो घास है ये दिखने में तो काफी छोटे से एरिया में लग रहा है, पर मैं पूरा मतलब सारे गिन डाला हूँ, जिसमें 2000 से ज्यादा घास है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। तो ये काफी एक बढ़िया इंटरेस्टिंग काम है जो कि आप कर सकते हो और मैं हाईली रिकमेंडेड है कि आप इसे जरूर कुछ काम। वैसा इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस फालतू काम ही करता रहता हूँ, मैं इम्पोर्टेंट काम भी करता हूँ, जैसे कि लिखना, पढ़ाई है वो भी करता, वो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो काम सब करते हैं, बेकार फालतू। Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up. Your heart is all I own, and in your